तो फाइनली आज 4 दिन के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। गाड़ी यानी ब्लड स्टार्ट हो गई है। कहाँ जा रहे हैं वो दिखाएंगे। आ जाइए। रबड़ी रोल है ये। तो वापस आ गए हैं और गए थे डॉक्टर के पास। नदीम का टूथ एक्सटेंशन होना था, वो निकल गया है। अब डॉक्टर ने आइसक्रीम, लस्सी और दूध ब्रेड यही सब बोला है खाने को, तो वो सब लेते हुए आए। मेरी भी तबीयत मतलब अब ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इस बार की तबीयत तो बहुत लंबी चली, मतलब 4-5 दिन हो गए हमने मोबाइल उठाया नहीं है। मतलब ये हाल हो रहा है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, क्या है इसको, क्या कहते हैं, या वीकनेस। वीकनेस तो इतनी नहीं है, ठीक ठाक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो, लेकिन तब भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस बार की तबीयत में ये हुआ है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा है, और जैसे कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक सही नहीं है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। तो कहते हैं ना एकदम डल, पूरा दिन ऐसे ही है। ये भी हम भी मतलब कोई सब घर पे ही हैं, घर से कहीं नहीं गए, प्रोग्राम बना चलो चलते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया नहीं चलो उठते हैं, तो ना तैयार होने का मन, ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं, नहीं जाना है, ऐसे ही सब चल रहा है। लेकिन आज हमने कहा, एक दो लोगों ने कहा भी कि क्या बात है वीडियो नहीं आया 4-5 दिनों का, मतलब शॉर्ट्स तक हमने नहीं डाली। कह रहे हैं ना एकदम कुछ हो गया है अंदर से कि वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। चलिए इंशाल्लाह, बहुत हिम्मत करी, इन्हीं ने भी कहा ये कुछ भी होता है तो होता है ना, आदमी ही पुश करते हैं कि नहीं चलो करो ना, क्यों नहीं बना रही वीडियो बना, ऐसे कह रहे हैं। लेकिन जब अंदर से दिल नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। अब इंशाल्लाह और भी अपडेट देते रहेंगे इनके हेल्थ की कि क्या है क्या है। बाकी आइसक्रीम और कुछ चीज़ें रमशा से बोला है कि वो लेकर आओ, वो लेकर आ रही हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। कौन सी लाई रमशा आइसक्रीम? वनीला सिंपल। अब तो ऐसा तो नहीं है, हम भी खा सकते हैं। अभी है, खौ, 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 कर हाँ खांसी तो बहुत आ रही है तो है, है? कौन सी है? कर्नेटो। ओके, हमें ये लालच खास रही है अभी। कर्नेटो किसके लिए लाई हो? खास तो तुम रही हो। खांसी खुद आ रही है। हाँ खास तुम भी तो रही हो, हल्का फुल्का। आपका हल्का फुल के ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं आप? हाँ, चाहते हैं कि बीवी दवा खराब हो? पापा कोई बात नहीं, दवा खा लेंगे, और 4 दवाएं अभी तो चल ही रही हैं। खाएंगी? नहीं अभी मूड नहीं खाने का, थोड़ी देखते हैं। खाओ खाओ तुम खाओ, खांसना कहना नहीं, मम्मी खांसी जा नहीं रही है। मम्मी वो तो वैसे भी नहीं जा रही, क्या पता शायद इसके बाद चली जाए। ओके ओफो, खाते पीते रहो, क्या पता कल हो ना हो। आइसक्रीम हम कह रहे हैं। हाँ आइसक्रीम, खांसी तो वैसे भी आ ही रही है। हाँ क्या पता शर्मा जा, शर्म हफ्ते 2 हफ्ते से आ रहे आप चले जाते हैं। हाँ तो भूल गई, ये तो खांसी रही है, खांसी रही है लड़की, खांसी रही है, सो रही है तुम्हारी बिटिया। और हाँ आंखों पे हाथ रख रख के वो सो रही है मैडम। मैं आऊँ? मेरे पास है, फ्रिज में है, हम खा लेंगे, मैं मत बताऊं। तो भाई रमशान के लिए वेनिला आइसक्रीम ले आई है, तुम भी खाओगी जब पापा से मिले। और हमने भिगो दी है खिचड़ी। दही ले आए हैं और आप पहले खा। ठंडा ठंडा
तो दही के साथ उनका पतली पतली खिचड़ी, तो अब पूरा घर जो है वो खिचड़ी खाएगा। कि आप लोग क्या भी होता है कि अगर एक घर में बीमार है तो पूरा घर खिचड़ी खाए। बीमार कौन है? आप दांत निकला बीमार तो बीमार बीमार वाला घर। अरे मतलब कुछ तो है, एक हफ्ते से तो वही फालतू की चल रही है। गोश्त हम गोश्त खा लेंगे। हाँ तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद रात का खाना खा रहे हैं, वो भी खिचड़ी, अरहर की खिचड़ी है और बस सलाद है और हरी धनिया, हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी है और देसी घी डला है थोड़ा सा। अब ये खाएं नहीं खाएं, ये नहीं तो नहीं खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, और बाकी दही है सादा। चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं और मिलते हैं आप थोड़ी देर, मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर में, क्योंकि ये साइड में बाकी सब लोग भी हैं, वो खाना खा रहे हैं। चलिए मिलते हैं। तो अभी हमने कहा ये भी साथ में है तो बस ये खाना खा रहे हैं, चलिए हम भी खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाकर। द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आज बहुत दिनों बाद जिम आ गए हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हुए कि नहीं कुछ करना चाहिए। चलिए भाई जिम चलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के बाद अब फिर से है आपके सामने चाय के साथ, और ये भी हैं, ये भी चाय वे पी रहे हैं। आपको दिखाया कि हम जिम गए और जिम में से वापस आए, उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन वही फीवर जैसा लग रहा, उतर नहीं रहा। आवाज़ देखो एकदम वही कोल्ड कफ वाली है और मुंह एकदम कड़वा हो रहा है। बस वही चल रहा है, दवा खाओ सो जाओ, फिर उठो खाना खाओ, फिर दवा खाओ फिर सो जाओ, यही चल रहा है। अभी शाम में मगरिब से पहले उठे, नहाए हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और बस अभी अब चाय वाय पी रहे हैं। चलिए भाई निकल रहे हैं, ये कहने लगे तुमको कहीं घुमा के लाते हैं, बहुत हो गया हफ्ता दस दिन से ज़्यादा से घर घर और डॉक्टर, और ये रहे बुलेट की सवारी आज फिर कर ली है। मेरी गाड़ी अभी तक नहीं आई है क्योंकि दुकान वाली गाड़ी जो मेरी रेड एक्टिवा है उसका इंजन बच्चों ने ख़राब कर दिया है, लड़कों ने, तो यहाँ बन रही है और मेरी एक्टिवा काम के लिए जाती है। चलिए चल मेरी बुलेट। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए क्या है, चांद इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चांद है, पूरा चांद है, चौधरी का चांद। तो हम लोग घूमते टहलते यहाँ पे पता है कहाँ ले आए, क्लॉक टावर। और एज यूजुअल हमेशा की तरह वैसे माशाल्लाह रश, टर्किश कैफे, मोहब्बत का शरबत भी है, कबाब क्या है, टिक्का बार क्या क्या, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कह रहे ईरानी दम चाय, तो ये बोल रहे ईरानी दम चाय पियोगे, तो मेरा मुंह बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा सा हो रहा है, देखते हैं क्या खाते पीते। खाने का तो बिल्कुल कुछ होती है, शायद तबीयत तबीयत ख़राब होती है, ऐसा होता होगा। पहले आपको खिलाएं, पहले हमको कुछ खिलाएं। हाँ चलिए चलिए देखो, आइए वही दो क्या खाएंगे बताइए, चाट में या कबाबची में, कबाब आप कुछ वो चेंज जाएगा, आगे टहलिए टहलिए चलिए।
चलिए भाई चलिए, ड्रिंक भी है। आइए जा सकते हैं। हाँ वो रहा छोटा इमामबाड़ा। तो जब से मतलब एक दो शॉप जब खुली उसके बाद तो यहाँ एकदम फूड की ऐसा हो गया कि ये लखनऊ का एकदम मेन हॉट स्पॉट हो रहा है। चलो फिर वो मिल गया काकोरी सीख कबाब, देखते क्या खाते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि काकोरी सीख कबाब खाना है। क्या हुआ, कैसा है? हाँ अच्छा गुड। तो चलिए यहाँ का काकोरी कबाब ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है। मतलब हम लोग लखनऊ वालों को सीख के कबाब जो होते हैं काकोरी वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, मतलब मुंह में डालते ही मेल्ट हो जाए। थोड़ा सा नमक तेज़ है, बाकी मेल्ट एकदम 100% वैसे ही होता है। चलिए भाई मुंह का मज़ा सच में बहुत अच्छा करवा दिया, थैंक यू। तो हम ये बता रहे थे हुसैनाबाद यानी छोटा इमामबाड़ा के आसपास इतना फूड आइटम है आप खा नहीं सकते एक दिन में। सोच रहे हैं डेली आगे भी जब ट्राई करें, क्योंकि फिर ऐसा पॉसिबल है नहीं और है भी देखते हैं क्या होता है। अगर ये फट गए तो ठीक है, तब तो बल्ले बल्ले। हम कह रहे हैं अपने व्यूअर्स को बता रहे थे कि हम लोग डेली आके एक कोई फूड आइटम ट्राई कर सकते हैं, इतना दूर भी नहीं है। और आप मान गए तो बल्ले बल्ले हो गई मेरी, नहीं माने तो कोई नहीं, दो दिन चार दिन पे आ जाएंगे। तो तबीयत ख़राब होने के आपके कुछ फ़ायदे भी हैं, आज ये पता चला हमें। पानी के बताशे इनको खिलाने थे और खिला दिए सीख के कबाब। इससे ज़्यादा कुछ खाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि घर पे खाना ऑलरेडी बन चुका है। एंड इट्स टाइम टू चाय, वो भी ईरानी। क्या हुआ, वाटर वाटर ले रहे? नहीं पानी, चाय का बिल। ओके ड्रिंक ओनली चाय, सब ठंडा है। तो भाई हमने कबाब खा लिया, अब बारी है ईरानी चाय। ईरानी चाय, हाँ ईरानी चाय अच्छी होती है, अलग सी है, खूब कॉफी होती है। हाँ चाय तो चाय है, मीठी थोड़ी ज़्यादा होती है। चलिए भाई अच्छे से खा लिया, मुंह का मजा सही हो गया, चाय भी पी ली। अब टाइम में पता नहीं कहाँ जाने का, वो इनके ऊपर है कहाँ ले चल रहा है, कहाँ ले जाएंगे मुझे हमें पता नहीं होता। ये सारे इन्हीं के आइडिया होते हैं, अभी यहाँ चलो वहाँ, हमें क्या है, हमको पीछे बैठेंगे और जहाँ ले चलो उनको एकदम। तो इन्हीं ने गाड़ी रोक दी है क्लॉक टावर के पास, नहीं चलो वॉक करते हैं। यहाँ तो मेला एकदम लगा हुआ है, हम लोग इधर जल्दी रुक गए हैं। बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं सब, मतलब बहुत अच्छा है ये वाली, जिसके छोटे बच्चे भी यहाँ आ जाए। मेरी आवाज़ असलियत में निकल नहीं रही है, डबल डबल है। तो यहाँ सब देखिए सुकून से बैठे हुए खा पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, दिखा रहे ये सब लोग, ये चारों तरफ
सब देखो कितने प्यार से बैठे हैं नीचे तक, और पिक्चर गैलरी है सामने, और वो रहा सतखंडा। बाकी इधर दूर पर दिख रहा है ना, मतलब बहुत दूर नहीं, इसी के बैक में है वो, क्या है, मेला लगा हुआ लग रहा है। चलो देखते हैं, अगर ये ले गए तो ट्राई करते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ खूब अच्छे से अब काफ़ी देर से बैठे हैं और बड़ा लेट हो रहा, चलना है नहीं, बिजी अपने एकदम सन्नाटे, चलना है घर। हेलो हेलो हेलो, यही होता है रील वाला सिस्टम, आदमी खो जाता है दो चार घंटे पता ही नहीं चलते हैं क्या हो रहा है क्या बोल रहा है सामने वाला, मतलब टाइम ऐसे ही किल होता है। कोई बात नहीं, किसी का बर्थडे सामने, बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलिए हैप्पी बर्थडे बोल दिया हमने, ही साथ हैं तो क्या हुआ। हाँ होता है कि वहाँ चलो वहाँ सेलिब्रेट करते मेमोरेबल बनाने को, मैंने वो बच्चे का है शायद, अभी भी केक वेक पापा मम्मी बेची सब लोग खा रहे हैं। चलो भैया अब अपने घर चला जाए फिलहाल के लिए, बहुत हो गया, मतलब थकन होने लगी है, तबीयत खराब की हो जाती है। अभी हम इन्हीं ने गाड़ी रोक दी है, हम लोग हैं वो है रूमी गेट और ये है बड़ा इमामबाड़ा। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे, हम तो लखनऊ वाले हैं, ये लोग इन्हीं ने भी कार रोकी है और फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, कह रहे पता नहीं कब आए थे हम यहाँ पे बड़ा इमामबाड़ा, चलो किसी दिन आते हैं घूमते हैं। तो हमने कहा ये भी सही है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब जहाँ रहते हैं वही पूरा अच्छे से नहीं घूमते हैं, तो एक ट्रिप करते हैं, एक एक जगह चलते हैं लखनऊ, मतलब जो जो फेमस है। हम भी एक दो साल पहले आए थे रानिया के साथ, तब ब्लॉगिंग हाँ करते थे तो हमने वीडियो डाली थी, अब देखते हैं कब प्रोग्राम बनता है हम लोगों का यहाँ आने का। ये भी अच्छा बहुत, मतलब सब बहुत ज़्यादा बन गया है सच में, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो हम दोनों यहाँ पे रुके इमामबाड़े के साथ, थोड़ी सी वीडियो बनाई और बहुत सारे ने मेरी फ़ोटो क्लिक करी, सच में इमामबाड़े की कोई वीडियो फोटो सही नहीं, अब मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। तो बस हो गया है मेरे डिनर का टाइम, जा रहे हैं बिस्मिल्लाह करने, और बना है आलू बैगन की सब्ज़ी है और है अरहर माश की दाल चावल रोटी, बाकी सब है इधर, ये भी हैं रमशा है और ये रहे हम। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। अच्छा ये कह रहे कोको भी है, कोको। तो बस आज के मेरे व्लॉग की एंडिंग का टाइम है, लेकिन उससे पहले ये अपने आप से वादा करते हैं या आप लोग से वादा करते हैं कि अब मतलब चार पांच दिन का अपने व्लॉग में हम गैप नहीं लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मतलब हम वीडियो कंटिन्यू बनाकर डालेंगे जैसे पहले डाल रहे थे, और कुछ नहीं तो मिनी व्लॉग डालने की कोशिश पूरी करेंगे। और बस आप लोग मेरी हेल्थ की यानी मेरी सेहत की दुआ करिएगा, किसी की भी दुआ कभी भी कभी कबूल हो सकती है, तो बस मेरी सेहत अच्छी रहे और बस जो भी हमें बीमारियां हैं वो सब जल्दी से ठीक हो जाए, फीवर है कफ है कोल्ड है। तो चलिए आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.